राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, ये देखिए हमने कढ़ाई वाले धागे लिए हैं जिनसे हम कढ़ाई करते हैं। इसमें ये थोड़ा सा शाइनिंग होती है और ये हमने चार शेड लिए हैं। इससे हम अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इन लच्छियों की ज़रूरत नहीं है। एक क्रोशिया के लिए जो हम थ्रेड इस्तेमाल करते हैं उनका धागा अलग से होता है और उसका जो क्रोशिया होता है वो भी अलग से होता है। तो आप या तो उससे आप बना सकते हो, उसमें ज़्यादातर वाइट और ब्लैक ज़्यादा आता है मार्केट में। अगर आप या तो उसको डाई भी करा सकते हैं, डाई भी हो जाती है, जैसे बड़े कान्हा जी के लिए आपके वो बनानी है। लेकिन ये मैं छोटे कान्हा जी के लिए 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझको ये देखिए शेड कितने अच्छे हल्के हल्के शाइनिंग करते हैं। तो होली पर जो है कान्हा जी ऊन के कपड़े यानी कि वूलन के कपड़े पहन के तो खेलने वाले नहीं है, इसलिए हमने सोचा क्रोशिए से इस तरीके से थ्रेड से गर्मियों का ड्रेस बनाया जाए कान्हा जी का। ये मैं एक तरह से होली स्पेशल भी बना रही हूँ जिससे कान्हा जी ये होली पर पहन सके। इसलिए हमने ये कान्हा जी के मनपसंद कलर लिए हैं और हमने इसमें 14 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए ये हमने ऊन वाला क्रोशिया लिया है 14 नंबर का, क्योंकि जो धागे वाला होता है वो इस पर नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ये कढ़ाई वाले धागे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग लेयर होती है, जैसे ऊन में होती है सेम इसमें होती है। तो इसलिए हमने ये ऊन वाला ही क्रोशिया लिया है, आप धागे वाला भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने 12 चेन बनाई है। हम गले से इसको सिर्फ चोली बनाएंगे और घेरा हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे। तो ये हम इस तरीके से हमने 12 चेन बनाई है। इसके अलावा हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, ये 3 चेन हमने और ली है। और 1 2 3 तीसरी चेन में से हम तीन चेन छोड़कर चौथी चेन में हम जाएंगे, क्योंकि हमारी पीछे से सिर्फ 12 होनी चाहिए। तो ये हमने इस चेन में से इस तरीके से डबल क्रोशिया ले लिया और इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हम अगली चेन में जाएंगे, उसमें से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से 12 चेन में से हम हर एक में से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे तो हमारी जो है 24 जो है स्टिच तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। ये देखिए हमने 12 स्टिच में से 2 बार लिया है तो ये 24 हो गई। देखिए कितनी अच्छे से इसमें फिनिशिंग आई और कितनी हल्की जो शाइनिंग है, ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। तो ये देखिए हमारे जैसे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसलिए हम ये छोटी चोली बनाएंगे और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये हमारा देखिए इतना धागा भी बचा हुआ है जो हम ड्रेस में इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 4 लच्छियाँ ली हैं तो अब यहाँ से हम इसको कैंची से काट देंगे और यहाँ से हम जो है कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से अब हम कलर चेंज करेंगे। इसमें जो है हम अपना ये डार्क ऑरेंज कलर और इसके बाद हम ये रेड कलर लगाएंगे और उसके बीच में हम ये अपना वाइट शेड लगाएंगे। तो वाइट से हम जो है ये देखिए इस तरीके से अभी हम ये डार्क थोड़ा सा, जैसे अगर आपको वाइट 3 शेड का बनाना, आप 3 शेड का भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो वाइट है इसको सिर्फ आउटलाइन में इस्तेमाल करेंगे। तो यहीं से देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी, अलग से आपको दिखता है कि कहाँ से फिनिशिंग है। तो इसलिए अब हमने यहाँ से धागा काट दिया, ये हमारा इधर है और हम यहीं से जो है अपना धागा दोबारा लगाएंगे। और यहाँ पर कोई स्टिच हमने बढ़ानी नहीं है, इस तरीके से हम एक हमने चेन ली और हर एक में से हम सिंगल जो है इस तरीके से क्रोशिया लेंगे।
इस धागे को हम साथ साथ दबाएंगे जिससे कि ये बाद में हमें यहाँ से काटना ना पड़े। तो इस तरीके से हम हर एक चेन में से आउटलाइन की तरह हमने बनाना है, क्योंकि हमारी चोली बहुत बड़ी नहीं बनानी हमने। इस तरीके से जो है ये हम एक सिंगल क्रोशे की लाइन लगाएंगे, हर एक चेन में से एक एक बार ले रहे हैं। ये देखिए हमने जो है सिंगल क्रोशे की आउटलाइन की, कितना सुंदर ये शेड लग रहा है। तो अब हम इसमें डार्क शेड की एक और जो है आउटलाइन करेंगे। तो ये जो हमारा लाइट कलर है इसको हम सिर्फ गले पे लगाएंगे जिससे एकदम वाइट आ जाए यहाँ पर, मतलब कि ये थोड़ा सा एकदम वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है। तो ये हम ऊपर लगाएंगे, फिर हम ये येलो हमारा हल्का, फिर डार्क है ऑरेंज, फिर इस तरीके से हमारे शेड चलेंगे। तो ये बहुत सुंदर, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आउटलाइन कर रहे हैं। अभी हम सिंगल क्रोशे से करेंगे ऊपर भी, गले पे भी और यहाँ पर भी। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छे से शाइनिंग आ रही है। तो गर्मियों में आप इस तरीके का कान्हाजी का ड्रेस बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। ये कढ़ाई वाले धागे हैं, ये देखिए हमने डार्क कलर से भी जो है सिंगल क्रोशे किया, अब यहाँ से हमने उनको काट दिया। तो ये हमारी आधा इंच से भी थोड़ा सा लंबा बना है चोली, कैसे बिल्कुल 1 इंच बाई 1 इंच की होती है जीरो नंबर कान्हा जी की। और ये देखिए इसलिए हमने इतनी बनाई। अब नीचे हम जो है थोड़ी सी सिर्फ एक लाइन डबल क्रोशिया की बनाएंगे। हमने यहाँ से शुरू किया और हम धागा यहीं से लगा के शुरू करें, इससे ना देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। उल्टी साइड ये देखिए, तो हम फिर से यहीं से अपना ये कलर दोबारा लगाएंगे। और जो है यहाँ से हम जो आगे का पीछे का बैक चोली वगैरह ये हिस्से जो आपस में हम बांटेंगे। तो यहीं से हम किनारे पे हम फिर से अपना धागा लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया और इस धागे को हम साइड में रखेंगे, इस शुरू में पहली चेन पर ही। ये एक चेन बनाई हमने और ये दो और ये तीन, तीन चेन बनाई हमने। और ये देखिए ये हमारी 24 चेन है, क्योंकि हमने 12 में से हर एक में से डबल डबल लिया था। तो 24 में हम जो है सीधा सा हमारा हिसाब बैठता है, कि हमारी बहुत छोटी है। तो ये हम तीन चेन में से जो है डबल क्रोशिया लेंगे। पहले हम तीन चेन ले चुके हैं और ये देखिए पहली चेन लिए हमने डबल क्रोशिया। और ये दूसरी चेन में से हमने डबल क्रोशिया लिया और ये तीसरी चेन में से हमने डबल क्रोशिया लिया। तो यहाँ पर हमारी तीन चेन होगी, तीन हमारी इस तरफ आएगी, बीच में हम पीछे की तरफ जो है 6 चेन लेंगे। तो ये 12 हमारी चेन हो गई, बीच में हमारी जो है दोनों तरफ जो है 6-6 आएगी, यानी कि बीच में 5 छोड़ के हम छठी में से लेंगे। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 1 2 और ये 3। तो अगर हम इसको गिनते हैं किनारी वाली को तो ये हमारी 4 हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अब यहाँ से गिनेंगे, पहले बाजू छाटते, देखिए 1 2 3 4 5, तो छठी में से हम जो है डबल क्रोशिया लेंगे। धागा बहुत लंबा नहीं लेना हमें, जैसे कि हम धागे से बना रहे हैं तो ऊन की तरह हमें बहुत लंबा धागा नहीं लेना। ये देखिए बाजू बन गई एक, अब यहाँ से हम 6 बार लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए हमने ये होगी हमारी 7, अगर इसको भी हम मिलाते हैं, उसके अलावा हमने 6 लिए। अब यहाँ से फिर 5 छोड़ देंगे हम,
एक दो तीन चार पाँच और छठी में हम डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छठी। इतने दिन से ऊन का काम कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है बनाने में क्योंकि एकदम धागा हाथ में आ गया। तो ये एक हो गया हमारा, ये दूसरी चेन, तीसरी। जैसे वहां पर हमने तीन चेन लेने के बाद तीन लिया था, तो ये हमारी इधर भी चार आ गई, उधर भी चार आ गई है। तो ये हमारी छोटी सी कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है, देखिए बिल्कुल 1 इंच बाई 1 इंच की है। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से बाजू बना ली। अब यहीं से जो है हम इधर से आउटलाइन करते हुए जो है ये डार्क कलर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसमें हम कोई और कलर नहीं लगा रहे, इसी से कर रहे हैं हम। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं हम। जब ये डबल स्टिच आती है तो इसमें से हम दो बार ले लेंगे, जो सिंगल है उसमें से हम एक बार ले। ये देखिए यहाँ पर हमने दो बार ले लिया, ये देखिए इस तरीके से हमने ऊपर आ गए। और अब इधर मुड़ गए हम, यहाँ पर हमें वाइट करना था लेकिन अभी हमने इरादा छोड़ दिया, अब हम यहाँ से भी डार्क ही ले लेते हैं। वाइट कलर का हम जो डोरी वगैरह बांधेंगे आगे या कुछ बेल्ट बनाएंगे, तो यहाँ से हम ये हर एक चेन में से, क्योंकि हमारा कंटिन्यू यहाँ से चल रहा है इसलिए हमने इसी धागे को रखा है। ये देखिए हर एक चेन में से इस तरीके से बारीक बारीक हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। तो ये यहाँ से इस तरीके से घूम के आगे आ जाएंगे हम। ये देखिए कितनी छोटी सी चोली बन के तैयार हो गई है। अभी हम इसी कलर से डार्क कलर से जो है घेरा बनाएंगे। बिल्कुल अभी इस पर हम सिंपल बना रहे हैं, आगे आगे आपको बहुत अच्छे डिजाइन में बताऊंगी जैसे जैसे धागे की क्रोशे की गर्मियों की। तो अभी हम ये सिंपल बनाएंगे पहले जैसे हम ऊन से बना चुके हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पर ऐसे आउटलाइन कर कर हम आए, यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ से इस तरीके से जो ऐसे कर कर हमने, देखिए ऐसे हम यहाँ से घूम के आए और यहाँ से ऊपर से इस तरीके से घूमकर हमने आउटलाइन करके यहाँ पर अपनी तीन चेन ली है। अब ये जो नीचे की जितने भी चेनें हैं हमारे पास में, उसमें से हर एक में से हम दो दो बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये सिंपल जो हम घेरा बनाते थे ऊन वाली ड्रेस में, सेम हम इसी तरीके से पहले घेरा बना लेंगे। तो ये इस तरीके से हम हर एक चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए हमने हर एक में से दो दो बार डबल क्रोशिया किया, फिर हमने दूसरी रो भी बना ली है जिसमें कि हमने देखिए ये एक में से दो बार लिया, तो एक हमने एक बार लिए फिर हमने दो बार लिया, यानी कि बीच में एक छोड़कर दूसरे में से हमने दो बार लिया, जैसे मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सेम ये तरीका हमने, यानी कि दो रो हमने इस तरीके से बना ली है। अब जो है हम अपना कलर चेंज करेंगे, यानी कि अपना ये डार्क कलर का जो है इससे हम लगाएंगे। तो ये हमने फ्रंट की तरफ लगाया था, अब हम बैक की तरफ से लगाएंगे। आगे की फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे पीछे की तरफ से लगा रहे हैं। वैसे आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऐसा मतलब कि कुछ नहीं है कि भी कुछ खराब हो जाएगा, कहीं से भी आप इस तरीके से अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से इस तरीके से कलर चेंज किया है और यहाँ पर हम जो है एक चेन लेंगे सबसे पहले, और उसके साथ वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए हमने एक चेन ली है और उसके साथ वाली में से हम डबल क्रोशिया लेंगे और उसके साथ वाली में से हम, यानी कि इसमें से 6 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2
चार, पांच और ये देखिए लास्ट में ये छः। छः बार हमने डबल क्रोशिया लिया है। उसके साथ वाली चेन में से हम एक बार जो है फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और उसके साथ में से हम एक जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्टिच बनी। इस तरीके से हमें पूरा घेरे में बनाना है। फिर देखिए इसके साथ वाली चेन में से जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया लिया है इसके साथ वाली में से हम ये डबल क्रोशिया लिया और फिर हमने छः बार अगली चेन में से डबल क्रोशिया लिया दो तीन चार पांच और ये छः। फिर उसके साथ वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया और उसके साथ वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया। देखिए पहले हमने सिंगल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया फिर छह बार एक ही चेन में से डबल क्रोशिया फिर उसके साथ वाली चेन में से एक डबल क्रोशिया बीच में हमने सिंगल क्रोशिया फिर इस तरीके से डबल क्रोशिया फिर छह बार एक चेन में से फिर डबल क्रोशिया फिर एक बार डबल क्रोशिया फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम पूरे जो है घेरे के चारों तरफ इस तरीके से एक राउंड ले लेंगे। ये देखिए अपने सिंगल लिया था तो हम फिर से डबल क्रोशिया ले रहे हैं उससे अगली चेन में से और उससे अगली चेन में से छह बार। इस तरीके से हमारा जो है पूरा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये घेरा बना। इतनी छोटी सी देखिए ड्रेस है। चाहे तो आप इतनी ही अगर आपके जीरो नंबर के काना चाहिए तो आप इतनी ड्रेस भी पहना सकते हैं, बिल्कुल सही आएगी। लेकिन अभी हम इसको हल्का जो है येलो कलर भी लगाएंगे, जैसे हमने ऊपर लगाया चोली में इस तरीके से हम नीचे की तरफ लगाएंगे। हमने व्हाइट कलर का जो है इसके अंदर डोरी बना के लगाएंगे बीच में और एक लाइन जो है लास्ट के हम व्हाइट बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ड्रेस बनी है। अब चलो इस ये जो हमने लेस का इधर पूरा घेरा बनाया उसमें से सिर्फ हमारा ये देखिए थोड़ा सा धागा बचा है। इस तरीके के धागे पूरे आते हैं क्रोशिया के चलाने वाले, आप मार्केट में पूछेंगे तो। ये मैंने सिर्फ अब मेरे पास पड़े थे इसलिए मैंने इनको यूज़ भी किया है और इससे ड्रेस बहुत शाइनिंग वाली बनती है। आप देखिए एकदम ये सिल्क भी नहीं है और गर्मियों के लिए काना जी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल बीच में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ से हम ये अपना कलर लगाएंगे। एक चेन ली हमने, इस तरीके से हम जो है आठ चेन लेंगे। एक चेन ले ली हमने, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ चेन ली हमने। जैसे बीच में हमारी आठ ही पड़ती है, बीच में हमने छः ली थी दोनों तरफ एक, तो आठ हो गई। इस तरीके से यहाँ पर हम बिल्कुल जहाँ पहले सिंगल क्रोशिया लिया था यहीं से फिर से हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से घूमकर यहाँ आ गई है। फिर से आठ चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फिर यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। इस तरीके से हम पूरा घेरे में बना लेंगे। देखिए हमने इस तरह से चारों तरफ स्टिच कर लिए, अपनी चेन कर ली है। अब यहाँ पर हमने आपस में ये सेंटर से जोड़ा है। अब ये जो आठ चेन है इसके अंदर से हम ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक बार और ये दो बार, फिर तीन चेन लेंगे और ये जो बीच में जाली है यहाँ से हम इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे, यानी कि इस तीन चेन को हम यहाँ से जोड़ देंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक बार दो बार और ये तीन बार लेंगे। इस बार तीन बार ले लिया, फिर से तीन चेन और ये पहली जाली में से स्लिप स्टिच करके इसको आपस में ऐसे जोड़ देंगे।
फिर तीन बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार, दो बार और ये तीन बार, फिर से चेन तीन, एक दो तीन, और फिर से पहली जाली में से स्लिप स्टिच करके इसको हम ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से किंगरी सी बन जाएगी। फिर से एक बार और ये दो बार, क्योंकि हमने शुरू में दो यहाँ पर ये देखिए तीन बन गए, यहाँ पर हमने दो बार लिया था, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। तो ये दो बार हो गया, हम अगली इसमें चेन में चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हम इस तरीके से दो बार लेंगे और इसको ऐसे खिसका देंगे, और फिर तीन चेन और जाली में से स्लिप स्टिच करके ऐसे अब तीन बार करेंगे। ये तीन बार हाफ डबल क्रोशिया, तीन चेन और पहली जाली में से इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको मोड़ देंगे। तो इस तरह से हम ये एक दो तीन, एक दो बन गया, फिर तीन बार बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर, एक दो तीन, फिर तीन चेन और फिर पहली जाली में से इस तरह से स्लिप स्टिच और फिर दो बार डबल हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए एक दो तीन, इस तरीके से हम फिर अगली में चले जाएंगे। इसी तरह से हम पूरा घेरा बनाएंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। हमने ये जो व्हाइट कलर का धागा इसमें नहीं लगाया है, हमने ये तीन ही कलर अपने आप में बहुत सुंदर लग रहे थे, बीच में हम येलो कलर की, इसी येलो कलर की डोरी लगाएंगे कान्हा जी की कमर में, जिसे यहाँ से आप फिटिंग दे सकें। तो ये हमारे जीरो से एक नंबर कान्हा जी के लिए हमने ड्रेस बना के तैयार की है। ये गर्मियों में आराम से कान्हा जी इसको पहनेंगे और गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। और इस तरीके की जो हमने ये धागे की हमारे पास लच्छियाँ थी छोटी छोटी, ये कढ़ाई वाले धागे जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उसी से हमने बनाई है। लास्ट के लिए इसमें हमारी दो लगी है, इधर एक और एक, यानी कि टोटल चार इसमें हमारी जो है चार लच्छियाँ इस तरीके की लगी है। आप क्रोशिया वाले धागे से भी बना सकते हैं, रंग बिरंगी मिलते हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें शाइनिंग होती है, थोड़ी महंगी पड़ती है बनाने में, लेकिन आजकल शायद मिलते भी हैं नहीं, ये मेरे पहले के पड़े हुए थे, तो मैंने इस तरीके से ड्रेस बनाई है। तो आप भी गर्मियों में इसे कान्हा जी बड़े आराम से पहन सकते हैं जैसे मैंने कहा है, तो आप भी इस तरीके से कान्हा जी की ड्रेस बनाइए। तो चलिए पहले डोरी बना लेते हैं। ये देखिए हमने लास्ट में जो कलर लगाया था सेम उसी कलर की हम डोरी लगाएंगे। तो उसके लिए हम आराम से नॉर्मल हम जो है चेन बना रहे हैं। देखिए जितनी बड़ी हमें डोरी चाहिए उतनी हम इस तरीके से एक लंबी चेन बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से अब यहाँ से जो कमर वाली साइड है ये देखिए अलग से जालियाँ दिखती है, ये जो हमने डबल क्रोशिया लिया था बाजू से नीचे, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया को ऐसे डाल के और क्रोशे की सहायता से हम इसको पकड़कर इस तरीके से खींच देंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम ऐसे डाल देंगे इसको। देखिए हमने इस तरीके से डोरी यहाँ से आराम से जो है बंध जाएगी कमर पे, और यहाँ पर हम जो है ये हमने जो शेड लगाई है पर थोड़ी थोड़ी धागे लगाकर हम जो है इसको बांध के, या कोई घुंघरू बांध सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे कान्हा जी ने नई ड्रेस पहन ली है, पीले रंग की जो हमारी ड्रेस है, और ये गर्मियों की ड्रेस है जैसे मैंने कहा है। कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, हाथों में उन्होंने पीले रंग का गुलाल की थाली भी ले ली है, क्योंकि अभी आपको गुलाल लगाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमारे कान्हा जी की। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे कान्हा जी को जरूर लाइक कीजिएगा। हैप्पी होली, राधे राधे।